हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुषमा एडो वर्ल्ड में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस पेंट के अंतर्गत व्यू टैब को। यह हमारा एमएस पेंट का पार्ट थर्ड वीडियो है। इसमें हम सीखेंगे जूम इन, जूम आउट इत्यादि फंक्शन को। चलिए इसे ओपन करके देखते हैं। व्यू टैब में सबसे पहला ऑप्शन आपको जो मिलता है वह है जूम इन का। आप जूम इन से अपनी पिक्चर को जितना चाहे उतना जूम कर सकते हैं, यानी बड़ा कर सकते हैं। इसके लिए आपको जूम इन पे क्लिक करना होगा या अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ पेज अप को प्रेस करना होगा। इस तरह हम जितना चाहे अपने पिक्चर को जूम कर सकते हैं, या यहाँ स्क्रॉल बार से आप इसे आगे पीछे कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है जूम आउट का। जूम आउट से आप अपने इमेज को जितना चाहे जूम आउट कर सकते हैं, यानी उसे छोटा कर सकते हैं। इसके लिए आपको जूम आउट पे क्लिक करना होगा या अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की के साथ पेस्ट ऑन एरो को प्रेस करना होगा। इसे हम जितना चाहे छोटा कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है 100% का। यहाँ पर आप अपने पेज को 100% तक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है रूलर्स का। अभी रूलर्स सेलेक्टेड नहीं है। जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करूंगी, आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पे रूलर्स दिखाई देगा। रूलर की हेल्प से आप बहुत ही अच्छा ड्राइंग बना सकते हैं, एक अच्छी शेप दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ पर ग्रिड लाइंस का। ग्रिड लाइंस का यूज भी ड्राइंग के लिए होता है। यहाँ पर आपको कुछ ग्राफ टाइप का यह दिखेगा, इसकी भी हेल्प से आप ड्राइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है स्टेटस बार पे। यहाँ पे ऑलरेडी यह टिक है। स्टेटस पर मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे करंट स्टेटस को यह बताता है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारा कितने पिक्सल का है यह बता रहा है। अगर हम इसे डिसलेक्ट कर देंगे तो हमारा स्टेटस बार अब नहीं दिख रहा है। आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको स्टेटस बार शो होने लगेगा। डिस्प्ले ब्लॉक में आपको ऑप्शन मिल रहा है फुल स्क्रीन का। आप यहाँ से अपनी पिक्चर को फुल स्क्रीन करके देख सकते हैं। आप या तो यहाँ पर माउस से क्लिक कीजिए या अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करके भी फुल स्क्रीन कर सकते हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हमने एमएस पेंट के व्यू टैब को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे एमएस पेंट में लोगो किस तरह से बनाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।